अच्छा बेटा, मैं परसेंटेजेस का थोड़ा एडवांस वाला टॉपिक है, दैट इज इंटरेस्ट। इंटरेस्ट, अब इंटरेस्ट में ना बेटा, आपके सिलेबस में दो कैटेगरीज रखी गई हैं। एक कैटेगरी है जिसको बेटा हम सिंपल इंटरेस्ट बोलते हैं, सही है? सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है वो मैं आपको समझाता हूँ, कंपाउंड इंटरेस्ट क्या है वो भी मैं आपको समझाता हूँ। सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है बेटा? ये दो तरह के इंटरेस्ट हैं जो आपके कोर्स आपके सिलेबस में लिखे गए हैं। ये दोनों इंटरेस्ट आपको बेटा वर्ड प्रॉब्लम्स में नजर आएंगे। आप ये टर्म्स देखोगे वर्ड प्रॉब्लम्स, तो उसमें से आपको हाईलाइट करना पड़ेगा। लेकिन इसको स्टार्ट करने से पहले हमारे लिए समझना जरूरी है कि सिंपल इंटरेस्ट है क्या और दोनों में डिफरेंस क्या है। मतलब हम क्यों कैलकुलेट कर रहे हैं, कोई चीज करते हैं तो उसकी कोई ना कोई वजह तो होनी चाहिए ना, सही है? जी तो बेटा सिंपल इंटरेस्ट अगर मैं सिंप बोलूं तो ये इंटरेस्ट है जो हमें डेली इंटरेस्ट रेट जो हमें मिलता है बाय दी प्रिंसिपल बाय दी नंबर ऑफ डेज दैट इलैप्स बिटवीन दी पेमेंट, सही है? कि भाई फर्ज करो हर महीने इंटरेस्ट या हर साल आपको इंटरेस्ट मिल रहा है, ठीक है? तो उस टर्म को बेटा रेफर किया जाएगा एक फिक्स प्रोपोर्शन, एक फिक्स अमाउंट जो आपको हर महीने मिलता जा रहा है, उसको बेटा बोला जाता है सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है? और ये बड़ा इजी मेथड होता है, इसमें कुछ मुश्किल नहीं होता। जैसे आपको मैं एक एग्जांपल देता हूँ, बैंक बैंक जी है बेटा, जो इंटरेस्ट पे कर रही है, सिंपल इंटरेस्ट पे कर रही है 10%, सिंपल इंटरेस्ट पे कर रही है 10%, सही है बेटा? जी और सिंपल इंटरेस्ट क्या है, इज ओनली बेस्ड ऑन प्रिंसिपल अमाउंट ऑफ द लोन। ये सिर्फ किस पे बेस कर रहे हैं, सिर्फ प्रिंसिपल अमाउंट पे। आपसे बोला ये गया कि आज बेटा आप इन्वेस्ट करो $1,000, आपसे कहा गया बेटा $1,000 अभी इन्वेस्ट करो, आपको हर साल इंटरेस्ट मिलेगा। सबसे पहला मेरा टास्क क्या होगा कि मैं $1,000 का इंटरेस्ट कैलकुलेट करता हूँ। मुझे कितना इंटरेस्ट बैंक जी दे रहे हैं, 10%। तो मैं $1,000 का 10% निकालूंगा तो मुझे पता चला कि अच्छा सर मुझे $100 का इंटरेस्ट मिल रहा है हर साल। एवरी ईयर आई एम अर्निंग इंटरेस्ट ऑफ $100, सही है? अगर मैं बोलूं आज बेटा मैंने इन्वेस्टमेंट की है, टुडे मैंने इन्वेस्टमेंट करी है $1,000 की, और मुझे सिंपल इंटरेस्ट मिल रहा है बेटा $100 का, तो ईयर वन में, एट ईयर वन, एट द एंड ऑफ ईयर वन मुझे कितना इंटरेस्ट मिल जाएगा, $1,100। सिंपल सी बात है। ईयर टू में मुझे कितना मिलेगा, मैं फिर $100 बेटा ऐड कर दूंगा। ईयर टू में बेटा मुझे मिल जाएगा $1,200। सिमिलरली बेटा ईयर थ्री में मुझे मिल जाएगा $1,300, और इस तरह हम ऐड करते रहेंगे। इट इज ओनली अप्लाइड ऑन द सर, आपकी आवाज नहीं आ रही। जी बेटा, अब आ रही है, जी आ रही है। सही है बेटा? इट इज ओनली अप्लाइड ऑन द प्रिंसिपल अमाउंट। अच्छा अब डिस्कस ओके करते हैं बेटा कंपाउंड इंटरेस्ट। देखो ना मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने बोला भाई आज इन्वेस्ट करो $1,000, हर साल आपको जो है 10% इंटरेस्ट मिलेगा। अगर अभी $1,000 इन्वेस्ट करता हूँ तो मुझे एक साल के एंड में कितना इंटरेस्ट मिलेगा, 1,000 × 10% विच इज गोइंग टू बी $100। 1,000 + 100 करेंगे आपके पास $1,100 आंसर आएगी। सिमिलरली ईयर टू में 1,200 आ जाएगा, फिर 1,300 आ जाएगा, इस तरह मेरा अमाउंट बढ़ता रहेगा। कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है वो देखता।
सही है बेटा, आप कंपाउंड इंटरेस्ट डिस्कस करते हैं। बेसिकली बेटा कंपाउंड इंटरेस्ट इज एडिशन ऑफ इंटरेस्ट टू प्रिंसिपल सम, यानी कि जो प्रिंसिपल अमाउंट का सम आ रहा है आप उसके ऊपर इंटरेस्ट पे कर रहे हो। बात समझ नहीं आएगी, थोड़ी मुश्किल लगेगी, मैं आपको बताता हूँ। जैसे बैंक एम है, सर एडिशनल अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट, एडिशनल अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन दी सम ऑफ लोन और डिपॉजिट, मतलब जो आपने अमाउंट डिपॉजिट कराया है और उसके ऊपर से जो आपको इंटरेस्ट मिल चुका है, सही है, उस जी फाइनल अमाउंट के ऊपर बेटा आपको इंटरेस्ट मिलेगा 10% का। और मैं अभी करके दिखा रहा हूँ आपको, फिर समझ आएगा। लेट्स ओके सपोज बेटा बैंक जी, दोबारा एग्जाम्पल लेते हैं। अगर मैंने आपसे बोला कि अगर बैंक जी में आज आप डिपॉजिट कराते हो बेटा $1,000 और हर साल आपको 10% इंटरेस्ट मिलेगा, इंटरेस्ट इज बेस्ड ऑन कंपाउंड, सही है, तो मैं क्या करूंगा? मैं अगर आपको समझाना चाह रहा हूँ ना, वो ये है कि भाई हम क्या करेंगे, हम 1,000 × 10% करेंगे कि भाई पहले साल कितना इंटरेस्ट मिलेगा, $100। सिंपल सी बात है, 1,000 का आप 10% निकालोगे आपके पास आएगा 100। अब मैं देखूं ईयर वन, ईयर वन में बेटा मैं अगर बोल दूं कि मुझे 1,000 + 100 यानी कि 1,100 वाला अमाउंट मिल रहा है, ऐसे ही है बेटा, जी ऐसे ही है ना। लेकिन लेकिन अब दूसरे साल पता है क्या होगा, दूसरे साल मुझे $100 का इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, ये जो अमाउंट आया है ना 1,100 का, इसके ऊपर इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा। यानी कि ईयर टू में बेटा ऐसे होगा, 1,100 × 10% इज इक्वल्स टू, जब भी 10% से बेटा मल्टीप्लाई करूंगा एक जीरो कम कर दूंगा, किसी भी नंबर को आप बेटा 10% से मल्टीप्लाई कर दो, एक जीरो कम कर देते हो, ठीक है, तो 1,100 × 10% की आपके पास आ गया 110। तो इसमें मैं बेटा ऐड कर दूंगा 110। अब समझ आई बात मेरी, तो ये हो जाएगा हाँ ईयर टू में बेटा 1,210, ईयर टू में हो जाएगा 1,210। समझाना ये चाह रहा हूँ, इट इज द इंटरेस्ट ऑन लोन और डिपॉजिट, ओके इट इज द इंटरेस्ट ऑन लोन और डिपॉजिट, यानी कि जो आपने लोन या डिपॉजिट लिया है, ठीक है, उसके ऊपर जो आपने इंटरेस्ट कमा चुके हैं और जो फाइनल वैल्यू आई है उसके ऊपर इंटरेस्ट अप्लाई होगा। ओके अंडरस्टूड When you earn interest on both money you save and interest you have earned, जो इंटरेस्ट आप कमा चुके हो आप उसके ऊपर दोबारा से इंटरेस्ट कमा रहे हो, जैसे $1,100 मैंने इंटरेस्ट के बाद कमाया था, कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होगा, इसके ऊपर मैं 10% कमा रहा हूँ, तो 1,100 × 10% हो जाएगा, क्या आंसर आएगा हमारे पास, हमारे पास आएगा 110, 110 आ गया। सिमिलरली बेटा ये मेरे पास क्या हो जाएगा, 1,210, $1,210 का मैं 10% निकालता हूँ, क्या बेटा हम 10% निकालेंगे तो हमारे पास वही होगा, एक जीरो कम हो जाएगा, एक जीरो कम हुआ तो मेरे पास हो जाएगा बेटा 121। एक सेकंड,